Age 21, height 5'9", weight 16. Then this world appears to be a beautiful place. My kind of love is different. हेलो फ्रेंड्स, द एनआर इज हियर। फिल्म की शुरुआत में हम सिद्धार्थ नाम के एक लड़के को देखते हैं जो काफी गुस्से में था। हम देखते हैं कि वो अपनी कार एक घर के पास में रोकता है। फिर सिद्धार्थ उस घर में जाकर जोरों से इंदु इंदु चिल्लाने लग जाता है, और ये इंदु कौन है ये आपको आगे पता चलेगा। सिद्धार्थ गुस्से में घर की सब चीजें तोड़ने फोड़ने लग जाता है, और इस डर के मारे इंदु के मम्मी पापा और इंदु का भाई एक कमरे में छुप जाते हैं। फिर सिद्धार्थ उस कमरे में आता है और उन सबसे पूछने लग जाता है कि इंदु कहाँ पर है। इस पर इंदु का भाई उसे बताता है कि इंदु गर्ल्स हॉस्टल में रहती है, लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि अगर ये बात सच नहीं हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब वो वहाँ से जा रहा होता है कि तभी इंदु के पापा सिद्धार्थ के पैरों में गिर जाते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा तुम प्लीज इंदु की लाइफ से दूर चले जाओ। पर सिद्धार्थ उनसे कहता है कि मैं इंदु के बिना नहीं रह सकता, इतना कहकर वो चला जाता है। अब इंदु के परिवार को इंदु की काफी चिंता होने लग जाती है कि कहीं सिद्धार्थ इंदु के साथ कुछ गलत न कर दे। अब हम सिद्धार्थ को देखते हैं जो के हॉस्टल पर आ जाता है और वहाँ भी तोड़फोड़ मचाने लग जाता है। पर इतने में वहाँ पर सिक्योरिटी आते हैं और सिद्धार्थ को रोकने की कोशिश करते हैं, पर सिद्धार्थ उन गार्ड्स को भी पीटने लगता है। फिर वो पूरे हॉस्टल में इंदु इंदु चिल्लाने लग जाता है, और तब हम इंदु को देखते हैं जो कि नहाकर बाथरूम से बाहर आती है। फिर इंदु देखती है कि सिद्धार्थ उसके कमरे के सामने खड़ा हुआ है। वो इंदु से कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और इसलिए तुम मेरे साथ अभी मेरे घर चलो। लेकिन इंदु उसको देखकर काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ, तुम्हें एक बार समझ में नहीं आती क्या। लेकिन सिद्धार्थ है इंदु की बात को मानना ही नहीं चाहता। साथ ही इंदु सिद्धार्थ को एक चांटा मारती है और फिर वहां से चले जाती है। इसके बाद रास्ते में जाते समय इंदु को अपना पास्ट याद आता है जब वो पहली बार कॉलेज ज्वाइन की थी, और उस समय इंदु अंदर से बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि अब से उसकी नई लाइफ शुरू हो जाएगी। और तब हम देखते हैं कि इंदु अपने कंप्यूटर लेक्चर के लिए अपने कंप्यूटर लैब में जाती है, पर वहाँ उसे सिद्धार्थ दिखता है जो कि एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। सिद्धार्थ इंदु से कहता है कि तुम प्लीज बाहर जाओ और देखो कोई लैब के अंदर ना आ जाए। अब इंदु सिद्धार्थ की ऐसी बातें सुनकर शॉक हो जाती है कि ये क्या कह रहा है। अब अगले दिन जब इंदु कॉलेज आती है तो उसे सिद्धार्थ देखता है जो कि गाड़ी से कॉलेज आ रहा था, और इसलिए इंदु सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये है कौन। फिर वहीं इंदु सिद्धार्थ को कॉलेज में ब्रश करते हुए देख लेती है। हमें पता चलता है कि सिद्धार्थ एक इमोशनलेस लड़का है। फिर क्लास में इंदु लेक्चर अटेंड कर रही होती है तभी कुछ लड़के क्लास में आ जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर उन लड़कों को भगा देते हैं। अब कुछ समय के बाद जब सिद्धार्थ क्लास में आता है तो प्रोफेसर उसे नहीं भगाते हैं, और इसी वजह से इंदु सोच में पड़ जाती है कि आखिर प्रोफेसर ने उन लड़कों को भगाया लेकिन इसको नहीं भगा रहे हैं। और उसके बाद से इंदु की नजर हर समय से सिद्धार्थ पर ही टिकी रहती थी। और इसी बीच इंदु को पता चल जाता है कि सिद्धार्थ ज्यादा समय बुक्स को पढ़ने में बिताता है, और बुक्स रीडिंग सिद्धार्थ की प्लस पॉइंट होती है। और ये बात इंदु को तब पता चल जाता है जब एक दिन क्लास में सिद्धार्थ हमेशा की तरह लेट आता है और आधी लेक्चर में क्लास से जाने लग जाता है। तो प्रोफेसर सिद्धार्थ को पूछते हैं कि अरे क्या कर रहे हो तुम, तुमने सब कुछ पढ़ लिया है क्या। सिद्धार्थ उसे कहता है कि हाँ। फिर उसको टेस्ट करने के लिए प्रोफेसर सिद्धार्थ से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका सिद्धार्थ बिल्कुल सही से जवाब देता है। और वहाँ पर सभी बैठे लोग सिद्धार्थ के जवाब को सुनकर दंग रह जाते हैं कि ऐसी आवारागर्दी भी करता है और पढ़ने में भी काफी इंटेलिजेंट है। और तब इंदु को लगता है कि भले सिद्धार्थ में इमोशन नहीं है पर सिद्धार्थ को बुक्स की बहुत ज्यादा नॉलेज है। इसके बाद प्रेजेंट में हम एक इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि पहले सिद्धार्थ के पापा के क्लासमेट थे। फिर वो इंस्पेक्टर सिद्धार्थ को उसके घर लेकर आ जाते हैं, और वहाँ पर इंस्पेक्टर सिद्धार्थ की मॉम से कहते हैं कि देखो आपके बेटे सिद्धार्थ ने हॉस्टल में तोड़फोड़ मचा दिया और इस वजह से सिद्धार्थ पर केस भी हो सकता है। फिर इंस्पेक्टर सिद्धार्थ की मॉम से सिद्धार्थ के ऐसे बिहेवियर की वजह पूछते हैं। तब सिद्धार्थ की मॉम उन्हें बताती है कि हमारी शादी के 10 साल के बाद सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, और सिद्धार्थ के पापा हमेशा ही बुक्स पढ़ा करते थे और सिद्धार्थ भी अपना ज्यादातर समय अपने पापा के साथ ही बिताता था। तब उसके पापा एक हाथ में बुक रखते थे तो दूसरे हाथ में सिद्धार्थ को रखते थे, और इसी वजह से सिद्धार्थ को हमेशा बुक्स बड़ी अच्छी लगती है। दोस्तों, फिर सिद्धार्थ को धीरे धीरे बुक्स पढ़ने की इतनी ज्यादा आदत लग गई कि जब उसकी मम्मी उसे बाहर खेलने के लिए भेजती तो वो वहाँ भी वो बुक्स पढ़ने लग जाता। इसके बाद सिद्धार्थ के अंदर का सारा इमोशन मरने लगा और उसके अंदर सिर्फ बुक्स के लॉजिक ही आते रहे, और सिद्धार्थ अंदर से काफी कठोर हो गया। एक दिन जब उसके दादाजी की मौत की खबर उसको पता चलती है तब सिद्धार्थ अपने पापा से सिर्फ ये कहता है कि पापा लाइफ एक गेम है और जिसने जन्म लिया है उसे एक एक दिन तो मरना ही है, इसलिए हमें दूसरे की मौत का शौक नहीं बनाना चाहिए। अब सिद्धार्थ की ऐसी बातों से उन्हें पता चल जाता है कि सिद्धार्थ के अंदर कोई इमोशन नाम की चीज नहीं है और सिद्धार्थ अपने ही रोल पे चलता है जो है खाना, नींद और सेक्स।
क्योंकि जब भी सिद्धार्थ को भूख लगती है वो खाने का इंतजार नहीं कर पाता बल्कि अपने आसपास के पत्तों को ही खाने लग जाता है। और एक दिन सिद्धार्थ जब रात के समय घर नहीं आता तो उसके मम्मी पापा बहुत परेशान हो जाते हैं और उसको ढूंढने लग जाते हैं। तब उन्हें सिद्धार्थ एक रोड पे सोया हुआ दिखाई देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जब सिद्धार्थ को नींद आती है तो उसे सोने की जगह मैटर नहीं करती, वो कहीं पर भी सो जाता। और अब प्रेजेंट में देखते हैं जहां सिद्धार्थ को होश आ जाता है और सिद्धार्थ वापस से इंदु इंदु चिल्लाने लग जाता है। फिर कुछ समय के बाद सिद्धार्थ उठकर इंदु के पास जाने लग जाता है। तभी रास्ते में सिद्धार्थ एक लड़की से लाइटर मांगता है, पर वो लड़की उसे कहती है मेरे पास लाइटर नहीं है। इतने में वहाँ पर राधा राम की एक लड़की आती है और सिद्धार्थ को लाइटर देती है। और असल में राधा सिद्धार्थ की कजन थी और वो सिद्धार्थ को अपने साथ घर लेने आई होती है, पर सिद्धार्थ किसी की बात कहाँ मानता और वो तो इंदु के पास ही जाने लग जाता है। इसके बाद हम इंस्पेक्टर और इंदु को देखते हैं। वहाँ इंस्पेक्टर इंदु से सिद्धार्थ के बारे में पूछते हैं। तब इंदु उन्हें बताती कि सिद्धार्थ से मैं पहली बार कॉलेज में मिली थी और सिद्धार्थ एक ऐसा लड़का था जिसे दूसरों से कोई मतलब नहीं था। अब दोस्तों एक दिन इंदु देखती है कि सिद्धार्थ को जब इंटीमेट करने का मन करता है तो सिद्धार्थ कॉलेज की नौकरानी के साथ ही कर लेता है। अब ये देखकर इंदु सिद्धार्थ पे काफी गुस्सा भी हो जाती है। वो से कहती है कि मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से करूंगी। और तब इंदु को एक लड़की ने बताया कि सिद्धार्थ इस कॉलेज का ओनर है। और दोस्तों अब हमें पता चल जाता है कि सिद्धार्थ ने पहली बार अपनी कजिन राधा के साथ ही इंटीमेट किया था। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहां सिद्धार्थ इंदु के हॉस्टल जाता है। और हम आपको एक और चीज बता दे कि ये मूवी पास्ट और प्रेजेंट करती रहेंगी। अब हॉस्टल में इंदु के भाई सिद्धार्थ को देख लेते हैं, जिसके बाद वो लोग सिद्धार्थ को बहुत मारते भी हैं और दोनों के बीच झगड़ा भी होने लग जाता है। इसी लड़ाई में सिद्धार्थ काफी घायल होकर जमीन पे गिर जाता है। और सिद्धार्थ के घायल होने के बाद जैसे ही राधा को पता चलती है तो राधा जल्दी से भागते हुए सिद्धार्थ से मिलने आ जाती है। सिद्धार्थ को जमीन पे पड़ा हुआ देखकर राधा बहुत दुखी होती है और रोने लग जाती है। उसके बाद जब इंस्पेक्टर इंदु से पूछते हैं कि अगर सिद्धार्थ इमोशनलेस था तो तुम दोनों में प्यार कैसे हुआ, फिर इंदु उन्हें बताती है कि कॉलेज टाइम में एक कंपटीशन रखा गया था और इस कंपटीशन से सबसे होनहार बच्चे का पता चलता है। और पिछले 3 साल से इस कंपटीशन का विनर सिद्धार्थ ही रहा है, पर इस बार कंपटीशन में 2 लोगों की सेम रैंक आती है और ये 2 में से एक सिद्धार्थ और दूसरा इंदु होती है। इसलिए जजेस फाइनल विनर का पता लगाने के लिए दोनों को लाइफ के ऊपर स्पीच देने को कहते हैं। अब पहले सिद्धार्थ लाइफ के ऊपर स्पीच देता है और कहता है कि लाइफ एक जर्नी है जो कभी ना कभी खत्म हो जाती है और इसलिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और सबको अपने काम से ही मतलब रखना चाहिए। और फिर इंदु अपना स्पीच देती है कि जिंदगी हमें एक बार मिलती है और इसीलिए हमें जिंदगी में दूसरों की मदद करनी चाहिए, सबको मिलकर रहना चाहिए जिससे लाइफ ब्यूटीफुल एंड हैप्पी हो जाए। लेकिन जजेस को इंदु की स्पीच बहुत पसंद आती है और इसीलिए जजेस इंदु को विनर बना देते हैं। और ये कॉलेज में पहली बार हुआ कि सिद्धार्थ किसी कॉम्पिटिशन में हारा है और इसी वजह से सिद्धार्थ अंदर से बहुत ही दुखी होता है। पर असल शौक तो सिद्धार्थ को तब लगता है जब उसको ये पता चलता है कि इस बार कॉलेज की टॉपर भी इंदु ही है। इस पे गुस्सा होकर सिद्धार्थ इंदु से कहता है कि तुम बस एक बार जीती हो, उससे क्या हो जाता है। इंदु भी उसको चिढ़ाते हुए कहती है कि मैं एक बार जीती हूँ तो अंदर से बहुत खुश हूँ, तुम्हारी तरह मैं एक जिंदा लाश नहीं हूँ। और अब मानो दोस्तों ये बात सिद्धार्थ को दिल में लग जाती है, जिसके बाद सिद्धार्थ अपने घर आता है और अपनी नौकरानी के साथ कमरे में जाता है। पर तभी वहाँ पर सिद्धार्थ की मॉम आ जाती है और सिद्धार्थ को ऐसा करते हुए देख लेती है। फिर सिद्धार्थ जैसे अपनी मॉम को देखता है तो वो शर्म से घबरा जाता है। उसे इस बात का पता चल जाता है कि वो जो कुछ कर रहा था वो गलत है। सिद्धार्थ तो अपनी मॉम से नजर भी नहीं मिला पाता और भागते हुए बाहर चला जाता है। जब सिद्धार्थ रोड पे जा रहा होता है तब उसको भूख लग जाती है, लेकिन इस बार सिद्धार्थ घास पत्ते नहीं खाता है। और सिद्धार्थ को तब ये रियलाइज भी हो जाता है कि खाना इंसान के लिए कितना महत्व रखता है और खाने के लिए सब लोग कितनी मेहनत करते हैं। अब रात के समय सिद्धार्थ सोने की जगह दौड़ रहा होता है, पर कहीं भी सिद्धार्थ चैन की नींद नहीं सो पाता और उसे यहाँ पर घर की अहमियत पता चलती है। तब सिद्धार्थ के सामने एक बाबा जी आते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा तुमने अभी तक जिंदगी को गलत ढंग से जिया है, आज से तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो और तुम दूसरों से जितना प्यार करोगे दूसरे तुमसे उतना ही प्यार करेंगे। यहाँ से दोस्तों सिद्धार्थ एक नॉर्मल इंसान जैसा बन जाता है और सिद्धार्थ के अंदर इमोशंस आ जाते हैं। अब अगले दिन जब सिद्धार्थ अपने घर पर आता है तो उसकी फैमिली ये देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ का बिहेवियर पहले से काफी ज्यादा चेंज हो गया है। साथ ही सिद्धार्थ अब अच्छे कपड़े पहनकर कॉलेज जाने लग जाता है और वो अपने से बड़ों की काफी रिस्पेक्ट भी करता है। फिर इंदु भी सिद्धार्थ को इस तरह देख काफी खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिद्धार्थ को इंदु पसंद आ जाती है और इसी वजह से सिद्धार्थ इंदु को प्रपोज कर देता है और दोनों ही एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ इंदु को राधा से मिलाता है और वहाँ राधा इंदु से ये कहती है कि सिद्धार्थ दिल का बहुत अच्छा है और तुम हमेशा से सिद्धार्थ का ख्याल रखना। फिर सिद्धार्थ और इंदु लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं,
जहां दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और आपस में एंजॉय भी करते हैं। अब अगले दिन वो अपने मॉम डेट को इंदु के बारे में बताता है। उसके पापा भी कह देते हैं कि इंदु बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम दोनों आपस में बड़े खुश रहो। यहां से सिद्धार्थ का प्यार इंदु के लिए और भी बढ़ जाता है और दोनों ही काफी बार एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। और ये सारी चीजें इंदु की पढ़ाई में बहुत असर डाल रही थी, क्योंकि अगले महीने इंदु का सिविल सर्विस का एग्जाम भी होता है। और इसी वजह से इंदु सिद्धार्थ से कहती है कि देखो मेरा अगले महीने एग्जाम है और इसीलिए मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है। वो इंदु के मना करने पर भी उसके घर चला जाता है और इंदु से कहता है कि तुम पढ़ाई करो, मैं बस बाहर इंतजार करता हूँ। अब सिद्धार्थ के इतना करीब रहते इंदु पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती और इंदु सिद्धार्थ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाती है। इसी बीच सिद्धार्थ के मॉम डैड सिद्धार्थ से कहते हैं कि बेटा तुम हमें इंदु से कब मिला रहे हो। वो भी कह देता है कि अरे मैं आपको अभी उसके पास लेकर जाता हूँ। फिर वो अपने मॉम डैड को इंदु से मिलाने के लिए लेकर जाता है, पर वहाँ जाते ही सिद्धार्थ देखता है कि इंदु के घर में ताला लगा हुआ है। और तब सिद्धार्थ को याद आता है कि इंदु किसी शादी में गई है। वो अपनी घर को शादी की जगह पर लेकर चला जाता है, पर रास्ते में उसकी कार की स्पीड बढ़ जाती है। इस वजह से उसके मॉम डैड काफी घबरा जाते हैं। तब उन्हें पता चल जाता है कि सिद्धार्थ के अंदर इंदु के लिए इमोशंस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और ये भी सिद्धार्थ के लिए एक तरह हानिकारक था। अब सिद्धार्थ जैसे उस जगह पर पहुंचता है तो वहां इंदु नहीं मिलती। सिद्धार्थ के पापा कहते हैं कि बेटा शायद वो घर चली गई होगी, तुम अपने इमोशंस पर जरा कंट्रोल रखो। और फिर सिद्धार्थ अपनी फैमिली के साथ वापस आ जाता है। फिर एक दिन सिद्धार्थ, इंदु और राधा अपने दोस्त के पार्टी में जाते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। इतने में वो सब लोग आपस में ट्रूथ एंड टियर खेलने लग जाते हैं। फिर वो सब इंदु से कहते हैं कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को किस करो। इंदु सिद्धार्थ को किस कर लेती है, पर सिद्धार्थ किस करते समय हद से ज्यादा आगे बढ़ जाता है और इसी वजह से इंदु सिद्धार्थ पर गुस्सा होकर चली जाती है। और इसी वजह से सिद्धार्थ पार्टी में अपने इमोशंस को रोक नहीं पाता। इसमें तो कुछ ज्यादा ही इमोशंस आ गए हैं। अब राधा इंदु को बताती कि सिद्धार्थ तुम्हारी वजह से नॉर्मल हो पाया है और अगर तुमने सिद्धार्थ को छोड़ दिया तो वो पहले जैसा हो जाएगा। इस पर इंदु कहती है कि सिद्धार्थ मुझसे प्यार करता है और आगे जाके कहीं ये उसकी मुसीबत ना बन जाए। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर सिद्धार्थ के मॉम डैड को बताते हैं कि सिद्धार्थ के इमोशंस को काबू में लाने के लिए उसे शांति वाले माहौल में ले जाना पड़ेगा। फिर सिद्धार्थ को नॉर्मल करने के लिए इंदु से अपने साथ एक खुले माहौल में लेकर जाती है और वहाँ इंदु सिद्धार्थ को योगा भी कराती है, साथ ही वो उसका अच्छे से ख्याल भी रखती है। अब ये सारी चीजें इंदु सिर्फ सिद्धार्थ के इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए करती है। फिर कुछ समय में सिद्धार्थ नॉर्मल बिहेव करने लग जाता है और उन दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग काफी बढ़ जाती है। तभी इंदु को अपनी मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम कहती है कि कल तुम्हारा सिविल सर्विसेज का एग्जाम है तो तुम जल्दी से वापस आ जाओ। और इसी वजह से सिद्धार्थ और इंदु वापस शहर आने लगते हैं, पर रास्ते में एक आदमी इंदु पे लाइन मार रहा होता है और इंदु के बारे में काफी बुरी बातें भी करता है। अब ये सब कुछ सुनते ही सिद्धार्थ को काफी गुस्सा आता है और वो उस आदमी को ठोक देता है, जिस कारण वो आदमी रोड पर गिर जाता है और साथ में उसकी कार भी डैमेज हो जाती है। अब सिद्धार्थ और इंदु घर जाने का रास्ता खोज ही रहे होते हैं कि इतने में कुछ लोग पीछे से सिद्धार्थ को मारने लग जाते हैं, जिस वजह से सिद्धार्थ को उन पर बहुत गुस्सा आता है और वो उन सबको मारने लग जाता है। लेकिन इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है और सबको पकड़ लेती है। फिर पुलिस उन गुंडों के साथ साथ सिद्धार्थ और इंदु को भी जेल में डाल देती है और जेल में बंद रहने के कारण इंदु अपना एग्जाम नहीं दे पाती और वो सिद्धार्थ से कहती है कि तुम कभी नहीं सुधर सकते, मैंने अपना पूरा समय तुम्हें दिया था तुम्हें ठीक करने के लिए और तुम्हारी वजह से आज मैं अपना एग्जाम नहीं दे पाई हूँ और आज के बाद तुम मुझे अपना मुंह मत दिखाना। ये सब कहकर इंदु वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वापस प्रेजेंट में इंस्पेक्टर इंदु से कहते हैं कि अच्छा जो हुआ सो हुआ, क्योंकि तुम उस चीज को कभी वापस तो नहीं ला सकते, और क्या तुम अब भी से सिद्धार्थ प्यार करती हो। और इसके बाद हम सिद्धार्थ को देखते हैं जो कि इंदु के प्यार में भिखारी की तरह घूम रहा होता है और सिद्धार्थ को इंदु के साथ बिताए हर पल याद आने लग जाते हैं, पर चाहकर भी सिद्धार्थ इंदु से मिल नहीं पाता। फिर रात के समय सिद्धार्थ एक जगह पर बैठा होता है, इतने में वहाँ इंस्पेक्टर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सिद्धार्थ कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, इंदु मुझसे प्यार नहीं करती है और ये जो लाइफ मुझे दर्द पहुँचा रही है और यहाँ तक कि मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ और अगर इंदु मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। इसके बाद इंस्पेक्टर ये सारी बातें सिद्धार्थ के मॉम डैड को बताते हैं और कहते हैं कि अगर हमने जल्दी से कुछ नहीं किया तो सिद्धार्थ को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब अगले दिन होता ये है कि सिद्धार्थ रोड पर तोड़ फोड़ करने लग जाता है और जोरों से इंदु इंदु चिल्लाने लग जाता है। वहाँ सभी लोग सिद्धार्थ को ऐसा करते देखकर काफी डर भी जाते हैं। तभी वहाँ सिद्धार्थ के मॉम डैड आ जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर सिद्धार्थ पागलों की तरह चिल्लाने लग जाता है। तभी इतने में सिद्धार्थ के सामने इंदु आ जाती है और उसे गले लगा लेती है, पर सिद्धार्थ इंदु को धक्का दे देता है और कहता है तुम इंदु नहीं हो सकती। ये कहकर सिद्धार्थ गाड़ी के सामने कूद जाता है और इस एक्सीडेंट के बाद उसकी मौत हो जाती है।
इसलिए कहते हैं कि कभी कभी अपने इमोशंस पे काबू रखना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन सिद्धार्थ रॉय के केस में तो इमोशंस होना या ना होना एक बराबर ही था। दोस्तों, आपको साउथ इंडियन फिल्म ज्यादा पसंद है या हॉलीवुड फिल्में, कमेंट में बताना न भूलें। और चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। हम मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो।